क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 5 डी चल क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको गिवन है कि sec 8a - 1 / sec 4a - 1 = tan 8a / tan 2a, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, sec 8a माइनस 1 अपॉन में sec 4a माइनस 1, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। sec 8a को क्या लिख सकता हूं cos के फॉर्मेट में, तो 1 अपॉन cos 8a माइनस का 1 अपॉन में 1 अपॉन cos 4a माइनस 1, ये मैं इसको लिख सकता हूं। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो cos 8a और ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos 8a अपॉन में, इसका एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, cos 4a वैल्यू आ गई 1 माइनस cos 4a, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब मैं उल्टा करके इसको मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 8a को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 4a लिख सकता हूं, ठीक है, अपॉन में ये 8a, तो cos 8a, इसको मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं तो ये cos 4a अपॉन में ये वाली वैल्यू ऊपर और ये नीचे आपकी, तो 1 माइनस cos 4a ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। इसमें मैं फॉर्मेट लगाऊंगा और इसमें भी फॉर्मेट लगाएंगे अपन, तो 2 इंटू 2a लिख सकता हूं इसको। अब यहां पे जो फॉर्मेट आपका जो फॉर्मूला है वो 1 माइनस cos 2 थीटा, कौन सा फॉर्मूला है, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। यहां पे थीटा है तब यहां पे थीटा है, ध्यान रखना यहां पे आपकी वैल्यू क्या है इस ब्रैकेट के अंदर 4a, तो इस थीटा की जगह कितना आएगा 4a, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू साइन स्क्वायर 4a अपॉन ये वाली वैल्यू सेम cos 8a इंटू cos 4a अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सेम फॉर्मेट आपका 2 इंटू साइन स्क्वायर 2a, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इतना तो समझ गया हूं। अब देखो इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू साइन 4a इंटू cos 4a, यानी साइन की दो पावर में से एक पावर तो यहां पे और इसके साथ में cos, फिर मल्टीप्लाई में कौन है आपका साइन 4a आपका मल्टीप्लाई में अपॉन में cos 8a इंटू में ये 2 तो 2 कैंसिल आउट करवा दो, ठीक है ना, और वैल्यू आपकी आ जाएगी साइन स्क्वायर 2a, ये लीजिए, ठीक है, इतना समझ गया हूँ, इसको कैंसिल मत करोगे काम आएगा ना अभी, और ये आपका ट्रू, इतना तो समझ गया हूँ। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, आपका फॉर्मूला है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन 2a का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है 2 इंटू साइन a इंटू कोस a फॉर्मेट आपका, लेकिन देखो यहाँ पे a है इसी का डबल होके यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे क्या है 4a, तो इसका डबल कितना होगा 8a होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका कि साइन 8a इंटू में इसको क्या लिख सकता हूँ, ये वाला फॉर्मेट इधर से इधर लगा दो तो क्या बन जाएगा ये 2 इंटू साइन 2a इंटू कोस 2a, ठीक है, और ये फॉर्मेट बन जाएगा 2 नीचे वाला कि कोस 2 इंटू कोस 8a इंटू साइन स्क्वायर 2a। अब देखो जो प्रूफ करना था वो 8a और 2a, इनके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, साइन अपॉन कोस इनको तो एक तरफ लिख दीजिए, साइन 8a अपॉन कोस 8a लिख सकते हैं, इसकी एक पावर इससे कैंसिल आउट और 1 अपॉन इस साइन 2a को, तो सेम
और ये जो वैल्यू है इसके नीचे लेके आऊं तो यहाँ पे आ जाएगी कोस 2a, देख सकते हैं। साइन अपॉन कोस कितना होगा आपका 10, कितना होगा 10, एंगल आपका 8a है, और ये साइन अपॉन कोस कितना होगा आपका 10 और एंगल आपका 2a, ये आपके इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। देखो आपको वैल्यू गिवन है 10 2a माइनस sec a इंटू साइन a, ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। इसकी इक्वल में आपको प्रूफ क्या करना है कि 10a इंटू sec 2a, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या वैल्यू है कि 10 2a माइनस sec a इंटू साइन a, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 10 2a को क्या लिख सकते हैं, 10 2a को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन, देखो 10 2a को 10 के फॉर्मेट में लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 10a अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो एंगल है 2a को उसको रिड्यूस करके a में लाना है। माइनस इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस a इंटू साइन a, लिख सकते हैं, ठीक है। साइन अपॉन कोस तो आ जाएगा आपका 10, तो 2 इंटू 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a माइनस 10a, ये लिख सकता हूं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप, तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 10 स्क्वायर a, तो आपका एलसीएम, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10a माइनस 10a इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ये आ जाएगा आपका। अब यहां से और यहां से 10 कॉमन आ रहा है, तो 10a तो बाहर आ गया, रिमेनिंग वैल्यू 2 माइनस, ये माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर a आ जाएगा, और फिर लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 10 स्क्वायर a लिख सकता हूं। अब देखो ये तो वैल्यू आ गई सेम, यानी 10a तो सेम, और 2 माइनस 1 कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब देखो एक फॉर्मूला जानते हैं, वो लिख देता हूं मैं पहले तो, कि cos 2a का फॉर्मूला 10 के फॉर्मेट में अपन डिस्कस करते आए, क्या फॉर्मूला था कि cos 2a के चार फॉर्मूले अपन डिस्कस किया था, उनमें से जो 10 का था वो था 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये फॉर्मेट था। यदि मैं इस वैल्यू को नीचे लेके आ जाऊं तो आपका फॉर्मेट क्या मिलेगा वो देखिए, कि 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। और इस पूरे की वैल्यू क्या होती है cos 2a, तो 10a अपॉन में cos 2a, अब 1 अपॉन cos 2a कितना होगा sec 2a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि 1 अपॉन cos a की वैल्यू sec a के इक्वल होगी, और ये हो जाएगी आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ठीक है, समझ गया हूं। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 23 का फर्स्ट पार्ट, 23 का फर्स्ट पार्ट, सारे क्वेश्चन आपके प्रूफ करने वाले हैं, करते हैं डिस्कस। देखिए
आपको वैल्यू गिवन है कि कोस ए प्लस कोस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर, इसके इक्वल जो प्रूव करना है वो वैल्यू आपकी है यहाँ पे, कितनी वैल्यू है कि 4 इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन में, तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू को प्रूव करना है, ठीक है। तो करते हैं, तो देखिए आंसर, सबसे पहले ये फॉर्मा यहाँ पे अपन पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ठीक है, और कुछ फॉर्मूले भी लिख देता हूँ, देखो काम आएंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, फर्स्ट फॉर्मूला आपका आएगा साइन ए प्लस साइन बी, इस ए और बी की जगह मैं सी प्लस डी लिखता हूँ एक बार, ठीक है। तो फॉर्मूला मिलेगा आपका 2 इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन, ये फॉर्मेट। यदि यहां पे माइनस है तो ये वैल्यू आ जाएगी पहले कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन में 2 किया जाएगा, फिर आएगा कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मेट, तो वैल्यू आएगी 2 इंटू कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन में 2, फिर माइनस वाला, तो माइनस वाला माइनस 2 इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। ये फॉर्मूला मेरा लिखवाया हुआ है, आप ध्यान से देख लेना, थोड़े छोटे अक्षर जरूर लिखे आपको दिख जाएंगे, ठीक है, और नहीं दिखे तो आप नोटबुक में उनको देख लेना, ठीक है। करते हैं डिस्कस, पहले में साइन यानी कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मेट, फिर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मेट, लेकिन सी की वैल्यू क्या है ए है और डी की वैल्यू क्या है बी वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड अब लेते हैं, कोस ए प्लस कोस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर। यदि मैं इसमें फॉर्मेट लगाऊं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 इंटू, क्या वैल्यू आएगी 2 इंटू कोस ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू कोस ए माइनस बी अपॉन में 2, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है। इसमें अप्लाई करें तो ऊपर वाला फॉर्मेट, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 कोस सी माइनस डी अपॉन में 2, ये आपका फॉर्मेट यहां पे हो जाएगा। स्क्वायर है तो पहले इसका स्क्वायर करो तो 4, फिर इसका स्क्वायर होगा तो कोस स्क्वायर ए माइन ए प्लस बी का ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू, फिर इसका स्क्वायर करो तो कोस स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन में 2 आ जाएगा, फिर प्लस इसमें भी स्क्वायर है तो पहले इसका स्क्वायर 4 और ये वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू कोस स्क्वायर सी माइनस बी अपॉन में 2। अब देखो यहां से और यहां से एक वैल्यू कॉमन आ रही है, ठीक है, कौन सी वैल्यू आ रही है सी माइनस ए है ना भाई, ए करता हूं मैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहां पे भी आपका a प्लस बी और ये a माइनस बी। अब देखो ये जो वैल्यू है ये आपकी कॉमन आ रही है और 4 भी कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन वैल्यू है वो 4 इंटू कोस स्क्वायर a माइनस बी अपॉन में 2, ठीक है, ये तो आ गई कॉमन वैल्यू। रिमेनिंग वैल्यू आपकी मिलेगी कोस स्क्वायर a माइनस a प्लस बी अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन में, ये वैल्यू। अब एक प्रॉपर्टी जानते हैं अपन, एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है। यहाँ पे ये जो एंगल है थीटा ये सेम है, तो यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू ए प्लस बी अपॉन 2
ए प्लस बी अपॉन टू सेम था, सेम है तो इस पूरी यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वन, तो फोर इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए माइनस बी इंटू में कितना आएगा वन आ जाएगा, और ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेम ही है सेकंड पार्ट भी आपका, और सेकंड पार्ट में आपका यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, और यहां पे माइनस है, और यहां पे चेंज आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी किसमें आएगी साइन में, और ये ए माइनस भी आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये इनका तो पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और अब अपन इसके बारे में डिस्कस कर। देखो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वाला फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई होगा, तो इसकी जगह तो क्या आएगा साइन और ये माइनस, और इसकी जगह भी क्या आएगा साइन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस है और ये भी माइनस, माइनस वाले में पहले कोस है फिर आपका साइन है, तो यहां पे तो आएगा आपका कोस और यहां पे आएगा आपका साइन, लिख सकते हैं। अब इसको इतना लिख सकते हैं, उसके बाद में क्या लिख सकते हैं वो देखो, माइनस का स्क्वायर करो प्लस टू का स्क्वायर करो फोर, और इसका स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन में टू, इसका स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन में टू, ये वैल्यू आ जाएगी। प्लस टू का स्क्वायर कितना फोर, कोस स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन में टू इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन में टू, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। कॉमन देखो कितना आ रहा है, कॉमन दोनों में वैल्यू आ रही है आपकी फोर इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस बी आपका कॉमन आएगा, और रिमेनिंग वैल्यू आपकी आ जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन में टू प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन में टू, ये आपका कॉमन आ जाएगा। अब देखो ये आइडेंटिटी अपन अप्लाई करें तो यहां पे थीटा और ये थीटा सेम है, तो यहां पे इसकी वैल्यू आपकी थीटा की कितनी है ए प्लस बी है, तो इस पूरे की तो आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होगी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वन, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी फोर इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन में टू इंटू में वन। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था क्योंकि वन से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिस्कस करते हैं 24th का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा देख लेना भाई, है ना, यहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24th का फर्स्ट पार्ट, कोस स्क्वायर पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर थ्री पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर फाइव पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर सेवन पाई बाई एट इक्वल टू टू, ये आपको प्रूफ करना है। करते हैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, कोस स्क्वायर पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर थ्री पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर फाइव पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर सेवन पाई बाई एट, ये आपकी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको तो क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर थ्री पाई बाई एट, ये लिख सकता हूं, और इस वाली क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूं कोस, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर बाद में लगाएंगे, इस 5 पाई बाई 8 को क्या लिख सकता हूं पाई बाई 2 प्लस
पाई बाई एट, चेक कर लो सोल्व करके इस पूरे की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 5 पाई बाई 2 ही आएगी, 5 पाई बाई 8 ही आएगी। और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं, कोस पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, समझ गए होंगे। अब इसी को लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये तो इसको लिख सकते हैं, प्लस फॉर्मूला आपका कि कोस पाई बाई 8 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है आपका नेगेटिव, और कोस किस में चेंज होगा, साइन में होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी नेगेटिव ऑफ साइन पाई बाई 8 और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू आ जाएगी माइनस कोस पाई बाई 3 पाई बाई 8 इस, ये साइन है, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसी को लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस इस माइनस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करो प्लस साइन का स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये लिख सकते हैं, प्लस ये तो सेम, तो कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस इसका स्क्वायर करूं तो प्लस और साइन का स्क्वायर करूं तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 में लिख सकता हूं। अब इस पूरे की वैल्यू आपकी 1 और इस पूरे की वैल्यू आपकी 1, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये 1 और वो भी आपका 1 इक्वल टू कितना 2, ये हो जाएगी आपके इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेम ही है बस थोड़ा साइन में कन्वर्ट है और पावर 4 बनी हुई है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, साइन 4 पाई बाई 8 प्लस साइन 4 3 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 7 पाई बाई 8 इक्वल टू आ जाएगा 3 बाई 2, आपको प्रूव करनी है वैल्यू, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है, वो फॉर्मूला अपन यूज नहीं करेंगे, साइन वाला यूज हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, थोड़ा लंबा होगा तो ध्यान से देखना, वैल्यू आपकी साइन की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 7 पाई बाई 8, ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इस पूरे का होल स्क्वायर, एक बार रहने दो, पहले तो इसको बनाते हैं फोर, प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं इतना, तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन सेम ही है पिछले की तरह पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इस पूरे की पावर कितनी है 4 प्लस इसको लिख सकता हूं मैं साइन पाई बाई 2 प्लस में 3 पाई बाई 8 इस पूरे का पावर 2 4, ठीक है, कितनी पावर है 4। अब फॉर्मेट अपन जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा आपका फॉर्मूला है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका पॉजिटिव, पहली बात तो पॉजिटिव, साइन किस में चेंज होगा कोस थीटा में, तो यहां पे थीटा है तो ये थीटा है। अब इस थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी है पाई बाई 8 है और यहां पे कितनी है 3 पाई बाई 8 है, तो लिख सकते हैं अपन साइन की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस यहां से क्या लिख सकता हूं कोस पाई बाई 8, ठीक है, इसकी पावर 4 है तो ये पावर 4 प्लस इसकी वैल्यू कोस 3 पाई बाई 8 इसकी पावर 4 है तो ये आपकी पावर 4 आ जाएगी।
इन दोनों को तो एक साइड में लिख देता हूं मैं, और लिख के क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर पाई बाई एट का होल स्क्वायर। और क्योंकि स्क्वायर होता तो डायरेक्ट वन हो जाता है ना, तो इसको मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर पाई बाई एट इस पूरे की पावर टू। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, मुझे फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बनाने के लिए यानी ए प्लस बी बना दो या ए माइनस बी बना लो। ठीक है, तो उस पूरे की वैल्यू अपन यहां से फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखो। यानी मुझे वैल्यू निकालनी है, जैसे कि अपने पास में ये वैल्यू है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसमें माइनस टू ए बी एड कर दो, प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी में इसको लिख सकता हूँ। ये किसका फॉर्मेट आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा टू इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का साइन स्क्वायर पाई बाई एट इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई एट, ये तो मैं ऐड कर दूं, और यही वैल्यू यहां से आपको माइनस करनी है, तो टू इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई एट इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई एट, ये तो होगी इसकी वैल्यू। इसको भी मॉडिफाई करते हैं, तो प्लस का, ठीक है, ये दोनों वैल्यू होगी आपकी, इसको देखते हैं, साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई एट इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस इसको देखो कोस स्क्वायर थ्री पाई बाई एट इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस टू इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई एक बार ऐड करना है और फिर आपको माइनस करना है, तो टू इंटू साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई एट इंटू कोस स्क्वायर थ्री पाई बाई एट, और माइनस करना टू इंटू साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई एट इंटू कोस स्क्वायर थ्री पाई बाई एट, ये आपको माइनस करना। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, क्या फॉर्मेट मिला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई एट इस पूरे का तो होल स्क्वायर, और फिर वैल्यू कौन सी आपकी, माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई एट इंटू कोस स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, टू इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई एट इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई एट, ये लिख सकते हैं। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला वापिस फॉर्मूला, तो क्या मिल जाएगा आपका, कि साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर थ्री पाई बाई एट इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर आपका ये माइनस, क्योंकि ये पूरी वैल्यू तो ए प्लस बी की ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगी, और ये वाली वैल्यू आपकी माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैं खोल के लिखता हूँ, टू इंटू साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई एट इंटू कोस स्क्वायर थ्री पाई बाई एट, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। अब ये वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर हो गया, फिर ये वैल्यू है माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ वन बाई टू इंटू टू, और ये वैल्यू सेम, देखो यहां से तो वन ही आएगा ना वापिस, तो ये वैल्यू आपकी सेम, तो टू इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई एट इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई एट, ये बना दीजिए इसको। ठीक है, फिर फॉर्मूला बन जाएगा, पहले तो स्क्वायर पूरे के बाद, और फिर इसकी वैल्यू भी आपकी वन, और वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, माइनस वन बाई टू को एड कर दो, यानी टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और ये आपका वैल्यू आ जाएगी टू इंटू साइन स्क्वायर थ्री पाई अपॉन में एट इंटू कोस स्क्वायर थ्री पाई अपॉन में एट, ये लिख सकता हूँ। टू इंटू टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, फोर हो जाएगा, और ये भी टू इंटू टू कितना आ जाएगा यहाँ से, फोर हो जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ कि वन माइनस वन बाई टू कि टू इंटू साइन पाई बाई एट इंटू कोस पाई बाई एट इस पूरे का होल स्क्वायर, ये मैं यहां से लिख सकता हूं भाई। ठीक है, इतना तो समझ गया हूं, देखो वापिस स्क्वायर करो इसका, इस टू का स्क्वायर फोर
इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसको भी बना दीजिए तो प्लस वन, देखो ये वन और ये वन तो एड होके कितना आ जाएगा आपका, टू आ जाएगा, ठीक है, थ्री बाई टू है ना, ठीक है। और ये लिख सकता हूं मैं वन बाई टू इंटू टू इंटू साइन थ्री पाई बाई एट का एच, एक मिनट, टू इंटू साइन थ्री पाई बाई एट इंटू कोस थ्री पाई बाई एट, इस पूरे का फोर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो एक फॉर्मूला जानते हैं, लिख देते हैं कि साइन टू थीटा इक्वल टू टू इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहां पे थीटा है तब इसी का डबल यहां पे आया है, ध्यान रखना। अब यहां पे इस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू, तो इसी का डबल आएगा, और इसका डबल क्या आएगा वो देखो, तो एक बार इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये डबल लाइन है, उसके बाद में ये लाइन। अब देखो वैल्यू आ जाएगी टू माइनस वन बाय टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन टू थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई एट है, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर है प्लस वन बाय टू, और ये इंटू में वन इंटू में, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन टू इंटू थ्री पाई बाई एट, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा टू माइनस वन बाय टू इंटू साइन पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस वन बाय टू इंटू, इसको लिख सकता हूं मैं साइन थ्री पाई बाई फोर, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो टू माइनस वन बाई टू इंटू साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी, वन अपॉन रूट टू, इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक है ना, हाँ मिस्टेक कर रहे हैं मेरे को, ये माइनस की तरह ये वैल्यू आपकी, ठीक है ना, माइनस, तो ये माइनस आपका, ये माइनस, और वन बाई टू इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस पाई बाई फोर, ये लिख सकता हूं, और इस पूरे का होल स्क्वायर, फॉर्मूला है साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन किसका होता है आपका नेगेटिव, और साइन थीटा साइन में ही रहेगा, ठीक है ना, साइन साइन में रहेगा, तो टू इंटू नहीं है भाई, टू माइनस वन बाई टू इंटू वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर कर दो तो वन अपॉन टू, माइनस वन बाई टू इंटू, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाई फोर, ठीक है ना, ये थीटा है तो आपका, तो आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन पाई बाई फोर का होल स्क्वायर, इसी को लिख सकता हूं मैं टू माइनस वन बाई फोर माइनस वन बाई टू, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इंटू में साइन पाई बाई फोर की वैल्यू, ये तो है, और यहां से मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं ना, तो ये वन बाई टू आ जाएगा, इसी को मेरे को क्या लिख सकता हूं, इसी को लिख सकता हूं टू माइनस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर लिख सकता हूं, और इसी को लिख सकता हूं टू माइनस टू इंटू, क्या देखो इन दोनों को ऐड कर दो तो माइनस का टू अपॉन फोर आ जाएगा, या फिर आप एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, ये लीजिए एलसीएम ले लीजिए आप, थोड़ा सा एलसीएम कितना आया, फोर आ गया, तो ये तो एट, ये माइनस वन, ये माइनस वन, तो ये कितना आएगा सिक्स, देखो एट माइनस टू कितना सिक्स अपॉन में फोर, टू से कैंसिल आउट कर दो तो थ्री बाई टू, ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ जाएगी, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।